फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए, सुबह सुबह है ना, मैं अपना चाय वाय पी के फ्रेश होके यहाँ पर लग गई हूँ काम पे। और अभी है ना, टाइम हो गया है 8, तो 8 बज गई है। और यहाँ पर है ना, मैं बिस्तर सारा सब कुछ निकाल के दोबारा बेडशीट वगैरह बिछाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से यही वाला बेडशीट है। तो गंदा तो नहीं हुआ है, पर फिर भी मैंने सोचा चेंज कर देती हूँ। इसमें है ना, कहीं कहीं पे तेल वेल गिर गया था दिशानी को तैयार करते टाइम, इसी वजह से। वैसे इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, फिर भी मैं चेंज कर ही देती हूँ 2-4 दिन में। तो फ्रेंड्स, मैंने आज सुबह 8 बजे से इसलिए काम करना स्टार्ट किया क्योंकि है ना, हमारा जो मोटर है ना वो ख़राब हो गई है, तो इसी वजह से पानी नहीं था, तो बहुत परेशानी हो रही थी। तो चलिए, अभी है ना 8 बजे से ही मैं अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज है ना, मुझे बहुत सारा काम करना है। एक काम ऐसा है जो मैं 2-4 दिन से, बहुत दिनों से, मतलब 2-4 दिन हो गए हैं मैं सोच रही हूँ आज करूँगी, पर हो ही नहीं पा रहा है। रोज़ का ही सोचती हूँ और रोज़ का ही नहीं कर पाती हूँ। तो आज है ना, वो काम तो मैं करके ही छोड़ूंगी, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा नहाना भी लेट ही होगा, क्योंकि आज हर काम में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। तो सुबह है ना, मोटर ही नहीं चल रही थी, इसी वजह से लेट हो गई हूँ। मैं, मम्मी, हम लोग वहीं पर ही बैठे थे। मम्मी ट्राई कर रही थी चलाने की, कोशिश कर रही थी, पर खैर कोई बात नहीं, अब अपने काम में लग गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है ना मेरा सुबह नहाना तो नहीं हुआ है, इसी वजह से मैं वो वाला काम जो मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ वो भी मैं कर लूँगी, क्योंकि नहा धो के तो उस काम को मैं कर नहीं सकती हूँ। तो चलिए, अभी देखिए, बातों ही बातों में मेरा बेड कवर भी लग गया है और बिस्तर भी पूरा समेट कर दिया है। और मैंने ना उसी बेडशीट से मतलब पोंछ लिया है, क्योंकि वो तो अभी वॉशिंग मशीन में ही जाएगा धुलने के लिए। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना दिशानी का मेकअप का सामान है इस ब्लैक वाले थैली में, क्योंकि जब मैं आई थी ना वहाँ से, तब लेके आई थी इसके अंदर उसका दवाई बाइट वाले थैली में, तो पॉलीथीन में। तो वही सब कुछ मैं देख रही थी क्या क्या है, क्योंकि हम लोगों का जाने का भी टाइम हो ही जाएगा अभी कुछ दिनों बाद, क्योंकि बहुत दिन वैसे ही हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, इन तीनों अलमारी में ना मैं कितना भी समेट के रखूँ, फिर धीरे धीरे एक एक चीज़ ला ला के कोई ना कोई रख ही देगा, और फिर जाके यहाँ पर बहुत ही गंदा दिखता है। और दिशानी का है ना बहुत सारे दवाई नीचे रखी हुई है, मैंने उस दिन भी समेट के, आप लोगों को तो पता ही है, आधे से ज़्यादा फेंक दिया है। और अभी फिर से तो उसका दवाई है ना बहुत सारा हो जाता है कुछ ही दिनों में। तो यहाँ पर है ना, मैंने एक कपड़ा लिया है, तो आज है ना मैं बस कपड़े से इसका डस्ट ही पोंछ दूँगी अलमारी का, और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। और भैया के रूम के भी मतलब डस्ट वस्ट थोड़ा सा डस्टिंग कर दूँगी, तो बस यही करूँगी। और फिर जाके मुझे बाहर भी जाना है। और आज है ना बाहर है ना थोड़ी सी धूप भी निकली है, इतनी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। तो यहाँ पर इसके रूम में भी, इसके सामने वाले अलमारियों में, वो भी ऐसे ही करके रख देता है पूरा, मेरा भाई गंदा करके रख देता है, कितना भी कर लूँ पर वही हो जाता है फिर धीरे धीरे। और गाँव में है ना, गाँव में क्या, हर जगह पर ही, मैं सोचती थी पहले कि गाँव में ही धूल ज़्यादा होते हैं, पर नहीं, सिटियों में भी होता है, क्योंकि मैं जब वहाँ पे रहती हूँ दिशानी के पापा के पास, तब जाके मुझे पता चलता है। तो हर जगह पे ही ना मतलब 2 दिन में तो डस्टिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो सारे जगह पे धूल हो जाएगा बारीक बारीक, और उसको फिर पोंछ के ही निकालना पड़ता है। तो अभी देखिए, अभी मैं लगा लूँगी झाड़ू, और अभी सारा काम मुझे ही करना है, क्योंकि मम्मी के हाथ में तो वैसे ही दर्द है, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे अब मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ, और थोड़ा सा लेट हो गई हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, मेरे को ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सोच रही थी लेट हो गई हूँ, पर इतना लेट नहीं हुई थी, काम तो सेम टाइम पर ही हो गया था। तो यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ, और दिशानी भी उठ गई है, वो भी बाहर घूम रही है मम्मी के साथ और पापा के साथ। तो देखिए, अभी मैं बाहर आ गई हूँ, झाड़ू मेरा लग गया है, और आज है ना धूप भी निकली, पर इतनी भयंकर भी धूप नहीं है, हल्की फुल्की है, रोज़ दिन से अच्छा है। 4-5 दिन से तो रेगुलर यहाँ पर धूप ही नहीं निकल रही थी अच्छे से, तो यहाँ पर और दिन से अच्छा है। और दिशानी देखिए, मेरे को वो झाड़ू देखते ही ना मतलब आ जाती है मेरे पास, उसको झाड़ू लगाना होता है, हर बच्चों को ऐसा ही होता है, वो लोग झाड़ू लगा देखकर ही भागते भागते आ जाते हैं। तो अभी देखिए, दिशानी मेरे सामने ही थी और ऐसे आ रही थी, वो सीढ़ियाँ चढ़ के आ रही थी, तो मैं सोच रही हूँ कि वो गिर ना जाए, वही मैं बोल रही थी। तो बस झाड़ू लगा रही हूँ और बात कर रही हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ सीधे किचन में,
और किचन मेरा साफ़ सुथरा ही था। सुबह बस नाश्ता तो नहीं किया था, चाय बिस्किट ये सब कुछ ही लिया था और सब लोगों ने चाय बिस्किट कर लिया था। फिर किचन तो पूरा साफ़ सुथरा ही था और मैं आ गई हूँ अब खाना बनाने। तो यहाँ पर मैं चावल धो रही हूँ, चावल चढ़ा दूंगी और इधर बना रही हूँ सब्जी। तो वेज ही बनेगा क्योंकि है ना 13-14 दिन तक हमारे घर पे अब नॉन वेज नहीं चलने वाला और पूजा पाठ भी नहीं होने वाला क्योंकि है ना मेरे पापा की मतलब चाची जो है वो एक्सपायर हुई है, मतलब हमारी दादी, तो इसी वजह से नहीं चलने वाला है। तो फिर मैं भी यहीं पर हूँ, पर मैं तो खा सकती हूँ पर मम्मी के पास हूँ इसी वजह से मैं भी नहीं खाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए अभी है ना मैं बना रही हूँ कद्दू और फिर जाके यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्जी। तो है ना वेज में क्या बनाऊँ, रोज़ थोड़ा सा प्याज लहसुन तो हर सब्जी में पड़ ही जाता है हम लोगों के घर पे, तो है ना इसी वजह से ना रोज़ रोज़ समझ में भी नहीं आता कि क्या बनाऊँ बिना प्याज लहसुन के। वैसे तो मैं तो बिना प्याज लहसुन में भी बना लेती हूँ खा लेती हूँ, पर और लोगों को थोड़ा सा तो डिस्टर्ब होती है। तो चलिए यहाँ पर बना रही हूँ कद्दू और बस अभी कद्दू है ना मैंने काट लिया है और इसका कलर बहुत अच्छा है, ये कद्दू घर का ही है। तो बस अभी है ना कद्दू फ्राई होने के लिए छोड़ दूंगी और बस उधर सब्जी बनाऊंगी और चावल तो सिंपली यही बनेगा आज और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनने वाला है। और मैं ना खाना बनाते बनाते दो एक बार दिशानी को दूध भी पिलाने गई थी और उसको दूध पिला के भी आई थी, तो यही तो चलता ही रहता है क्योंकि खाना बनाऊँ और कुछ भी काम करूँ तो साथ में दिशानी को भी देखना पड़ता है। और आज है ना ये देखिए कद्दू का कलर बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें है ना हल्दी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कलर ही इतना अच्छा था और ये घर का ही कद्दू था। तो कद्दू मुझे पसंद नहीं है पर ये जो घर का कद्दू है ना इसको देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई थी कि इतना कलरफुल मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो चलिए अब इसको भी फ्राई हो गया है लमसम, तो अब देखिए इधर चावल भी बन गई है तो पानी सूख गया है तो मैं ढक्कन लगा दूंगी और इधर कद्दूओं को मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पर है ना मुझे बैंगन भी फ्राई करना है, मैं भूल गई थी, बैंगन रख के काट के सब कुछ करके ही भूल गई थी। तो बस अभी कद्दू के बाद बैंगन फ्राई करूँगी और फिर जाके सब्जी बनाऊँगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं एक ही कढ़ाई में बनाती हूँ खाना, तो हाँ मैं एक ही कढ़ाई में है ना बना लेती हूँ एक एक बार एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए ये है बैंगन और बैंगन भी मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिया है और ये बैंगन कद्दू ये सब कुछ घर का है। तो गांव में एक चीज़ का तो बहुत बढ़िया फ़ायदा है कि सब्जियाँ है ना घर की मिल जाती है, सबसे अहम बात तो ये है कि ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए बैंगन भी फ्राई हो गया है, अब बस निकाल लूँगी और फिर अब बस सब्जी बनानी है। तो यहाँ पर बैंगन को निकाल के फिर सब्जी बनाने की तैयारी करूँगी और है ना किचन है ना। तो कद्दू फ्राई और बैंगन फ्राई तो हो गया है और यहाँ पर ले आया है मैंने सब्जी। तो सब्जी के लिए है ना मैंने उसी कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है और फिर जाके जीरा डाल दिया है और सूखी लाल मिर्ची और सिंपल इसके अंदर मैं डाल दूँगी सब्जियों को और अच्छे से इसको भूनूंगी थोड़ी देर, क्योंकि सिंपल सब्जी है ना तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करने पर ही अच्छा लगेगा। और फिर जाके फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी। तो यहाँ पर है ना मैं हरी मिर्ची से ही बना रही हूँ तो इसको हल्दी और नमक से थोड़ी देर फ्राई करूँगी। तो ये देखिए ये है सब्जी, गाढ़ गोभी है इसे क्या बोलते हैं, तो जो भी हो तो उसी को मैं कर रही हूँ। मैं सब्जियों के कभी कभार नाम भी भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब्जी फ्राई भी हो गई है, अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी और पानी डाल के और यहाँ पर है ना देखिए साइड में मैंने बड़ी भी मतलब फ्राई करके हल्का फ्राई करके रखा है क्योंकि ना एकदम सिंपल सब्जी है ना तो इसके अंदर दो चार ये बड़ी डालने से थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने साइड में उसको फ्राई करके रख दिया है और फिर जाके पानी भी डाल दिया है और सब्जी में उबाल आने के बाद है ना इसके अंदर डाल दूंगी बड़ियों को। तो बस ऐसे करके सब्जी को मैं पका लूंगी और खाना बनते से ही मुझे बाहर का काम भी करना है, आज है ना बाहर मेरे लिए बहुत सारा काम इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी डाल दिया है और इसको डालने के बाद है ना थोड़ी देर और पकाऊंगी और सब्जी है ना गल नहीं रही थी, पता नहीं क्या हुआ था, ये गोभी मतलब बहुत ही लेट ही गलती है। तो यहाँ पर देखिए सब्जी तो बन गई है और उसके ऊपर से मैंने हल्का सा जीरा पाउडर डाल दिया है और जीरा पाउडर डालने के बाद मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है क्योंकि सब्जी बन चुकी है और मैंने थोड़ा सा तरी तरी रखा है आज। तो अभी है ना मेरे को किचन की भी क्लीनिंग करनी है तो झटपट किचन की भी क्लीनिंग कर लूँगी और यहाँ पर सब्जी चावल भाजी इन सब चीज़ों को साइड में रख दूँगी फिर जाके मैं किचन क्लीनिंग करूँगी। तो किचन में है ना पूरा क्लीन ही हो रखा था, थोड़े बहुत बर्तन थे क्योंकि मैं साथ के साथ बर्तन धोती जा रही थी इसी वजह से
ज़्यादा बर्तन भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई है और कढ़ाई को घिस घिस के धो रही हूँ मैं, क्योंकि है ना इसके पीछे है ना पता नहीं गैस में से है ना ब्लैक ब्लैक सा निकल रहा है। तो गैस को है ना गैस के चूल्हे को सॉरी उसको है ना मतलब सर्विस के लिए भी भेजना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर बर्तन भी मेरे धुल गए हैं, फिर जाके मैंने यहाँ पर किचन क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर है ना गैस फ्लोर पे ही मैं थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लूँगी, और वैसे तो मैं रोज़ ही करती हूँ तो इतना ज़्यादा गंदा होता भी नहीं है क्योंकि मैं रोज़ दिन से कर ही रही हूँ एक एक बार। तो बस अब गैस को भी थोड़ा सा गैस के चूल्हे को सॉरी मैं गैस बोल रही हूँ तो उसको भी थोड़ा सा मैं साफ़ सुथरा कर लूँगी। खाना बनाने के बाद है ना कितना भी साफ हो पर तेल के छींटे तो लग ही जाते हैं, तो इसी वजह से ना थोड़ा तो करना ही पड़ता है। और किचन जब तक क्लीन ना होना तब तक ऐसा लगता है कोई काम ख़त्म ही नहीं हुआ है, सारा काम ही है। और खाना बनाने के बाद एक बार किचन क्लीनिंग हो जाए तो सारा काम ख़त्म ऐसा लगता है किचन का, और किचन का काम ही सबसे बड़ा काम है। फिर यहाँ पर है ना इसमें मैंने बर्तन धोए थे तो इसको भी अच्छे से मैं सिंक को भी धो लूँगी, क्योंकि ना इसमें सारी सब्जियों को धोते हैं सारे सब कुछ बर्तन वर्तन, तो इसको जब तक ना धोना तब तक भी अच्छा नहीं लगता और ये ना बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा साफ़ रखना ही सही है। तो बस इसको भी मैं साफ़ सुथरा कर लूँगी और बस मेरा किचन चमक गया है। तो बस अब मैं हैंड वॉश कर लूँगी और यहाँ से सीधा निकलना है मुझे बाहर, क्योंकि बाहर मेरा काम इंतज़ार कर रहा है। और ना सच में मैं वही सोच रही हूँ कि धूल से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और आज मुझे धूल का काम ही करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ हमारे गार्डन में, तो आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर घास तो है नहीं, क्योंकि ना मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर है ना एक वो जो घास गार्डन में होता है उसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो घास भी लगाई हुई थी किसी टाइम पे, पर वो घास और जो जंगली घास होते हैं ना दोनों ही ना सेम सेम ग्रो कर रहे थे यहाँ पर गार्डन में। तो इसी वजह से है ना सारे घासों को है ना दवाई मार के ख़त्म कर दिया है, क्योंकि दो घास बहुत बेकार लग रहा था। मतलब हम लोगों को सॉफ्ट वाला घास चाहिए था पूरा, पर यहाँ पर हो गया था दोनों टाइप के घास, क्योंकि हमारा घर भी ऐसे जगह पर है ना कि यहाँ पर जंगली घास तो होना ही है। फिर यहाँ पर है ना इसीलिए वो घास आप लोगों को दिख नहीं रहा है। और ये गार्डन है तो पहले है ना ये गार्डन बहुत ही सुंदर हुआ करता था, पर अभी के टाइम पे है ना कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि ना पापा की भी तबीयत ख़राब हो रखी है तो गार्डन में कोई ध्यान नहीं देता है। और पहले पापा और मैं हम दोनों ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर गार्डन में ध्यान देते थे, तो बहुत ही सुंदर हुआ करता था, यहाँ पर बगीचा टाइप का था, पर अभी ऐसा नहीं है। पर यहाँ पर है ना अभी है ना पतझड़ का मौसम जैसा है, तो इसी वजह से ना यहाँ पर पत्तियाँ ढेर हो ही जाती है, तो मैं ही करती हूँ हमेशा और पहले पापा करते थे। तो अभी है ना पापा की भी तबीयत इतनी सही नहीं है कि पापा ये सब कुछ कर पाए इतना। पहले पापा गार्डन में बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, पापा को गार्डनिंग का बहुत शौक है और साथ में मेरे को भी, तो हम दोनों ही किया करते थे। तो है ना अभी है ना मैं तो रहती नहीं हूँ यहाँ पर, तो और मैं करती भी नहीं हूँ, बहुत कम ही करती हूँ, पर जब जब मैं आती हूँ ना तब तब मैं ही करती हूँ, और कभी मैं चली जाऊँ तो फिर पापा को ही करना पड़ता है, और नहीं तो फिर हमारे घर पे जो काम करते हैं ना उस भैया से करवाते थे, पर वो भी अभी नहीं है तो इसी वजह से मैं ही कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पर गार्डन में है ना हर मतलब हफ्ते में क्या 2-3 दिन में ऐसे मतलब पत्तियाँ गिर गिर के एकदम बेकार है और आवाज़ होती रहती है इधर पत्ती उड़ने का उधर उड़ने का। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ आज, वैसे तो मैं कर देती हूँ पर आज मैंने गलती क्या किया है पता है, आज मैंने है ना मास्क या फिर स्टॉल नहीं बांधा है, भूल गई थी मैं, तो उसके वजह से ना बाद में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। वैसे मुझे काम करने में कोई थकान नहीं होती, लेकिन हाँ मुझे है ना धूल से एलर्जी है, धूल मेरे नाक में एक बार चली जाए ना तो मैं छींकती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए गार्डन को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं 2-4 दिन से सोच ही रही हूँ कि मुझे झाड़ू लगाना है। इससे पहले भी मैंने एक बार लगा दिया था पर वो तो मैंने वीडियो में शूट भी नहीं किया था। तो पहले है ना मेरा तो ये डेली का ही रूटीन हुआ करता था, मतलब शादी से पहले या फिर शादी के बाद भी जब मैं घर पर थी तब, और अभी है ना मैं बहुत कम करती हूँ, कभी कभार कोई काम करने वाले हो उनसे करवा लेते हैं या फिर पापा ही धीरे धीरे करके कभी कभार कर लेते हैं, पर पापा अभी नहीं कर सकते, पापा की भी तबीयत ख़राब हो रखी है अभी, तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं ही कर देती हूँ, और मुझे तो आदत है ही और इन सब चीज़ों को है ना मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं सारा दिन बगीचा साफ कर सकती हूँ, मेरे अंदर इतना एनर्जी है
पर ना मैं मतलब स्टॉल बांध के मुंह में, फिर मुझे ना गार्डनिंग की बहुत शौक है और साफ करना, ये झाड़ू वाड़ू पत्ती वत्ती बीनना, इन सब चीज़ों में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होती है क्योंकि मैं बचपन से ही ना मतलब जब पापा को देखती थी ना तभी से मैं पापा के साथ साथ ही करती थी, तो बहुत सारा काम तो मैंने पापा से ही सीखा है गार्डनिंग वार्डनिंग का। तो यहाँ पर देखिए एकदम क्लीन हो गया है और अच्छा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, दो दिन बाद मुझे फिर करना पड़ेगा। फिर है ना मैं नहा धो के आ गई हूँ अंदर, अब मेरा सारा काम भी ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पर आराम से बैठ के दिशानी के जो कपड़े हैं ना वो मैं फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि ना दिशानी के कपड़े धूप में मैंने सुखाए थे तो ये गरम गरम है, तो अभी ठंड के टाइम पे है ना गरम गरम ही इसको उठा के अगर फोल्ड करके रखूँ ना तो ये ठंडा नहीं होगा और दिशानी को पहनने में भी मतलब अच्छा लगेगा, तो इसी वजह से अभी फोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी। और बस यही सब कुछ कर रही थी मैं आज पूरा दिन, और अभी है ना मैं बिल्कुल भी फ्री हो गई हूँ, तो फ्री ना धो के बैठी थी तो मैंने सोचा क्यों ना यही कर लेती हूँ बैठे बैठे, और औरतें कभी फ्री नहीं होते हैं, फ्री होना तो ये बोलने की बात है पर फ्री नहीं हो सकते क्योंकि कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम ना काम रहता ही है, औरतें कभी भी फ्री नहीं हो सकते। अगर कोई बोले कि हाँ फ्री हो गए तो मैं तो मान नहीं सकती। तो यहाँ पर देखिए काम तो हो गया है और बोलना पड़ता है बोलने के लिए कि काम तो हो गया है, पर इतना भी पूरा काम नहीं हुआ है अभी फ़िलहाल, 2 घंटे के लिए आराम है ये है। तो बस दिशानी के कपड़े वपड़े फोल्ड करके फिर बैग में उसके ही रख दूँगी, फिर जब उसको पहनाने हो तो निकाल के पहनाऊँगी, नहीं तो फिर है ना ये सूखे हुए कपड़े इधर उधर ही गिरे रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिशानी के सारे कपड़े फोल्ड हो गए हैं और दिशानी भी है ना अभी सो रही है, तो आराम से मैं अपना काम कर रही हूँ, वो भी थोड़ी देर में उठ जाएगी, फिर जाके उसको भी मुझे तैयार करना है। तो फ्रेंड्स मेरा तो सारा काम वाम ख़त्म हो गया है और देखिए गार्डन भी बहुत अच्छा साफ सुथरा लग रहा है, और अभी है ना मैं धूप में थोड़ा सा धूप सेक रही थी क्योंकि धूप भी अच्छी निकली है, पर कभी धूप कभी छाओ, और मुझे है ना धूल से एलर्जी है तो इसी वजह से ना मुझे जुखाम सा लग रहा है। तो अभी फ़िलहाल है ना दिशानी है ना सो रही है, तो वो उठेगी, उसको तैयार भी करना है, पर ठंड भी है, हवा भी चल रही है बाहर, तो इसी वजह से ना वो रजाई में ही है अभी भी, तो देखती हूँ वो उठेगी तो उसको तैयार वैयार करूँगी थोड़ा बहुत, वैसे तो वो तैयार ही है, बस थोड़ा सा उसका मुँह मुँह पोछना है और मैं बस फ्री हूँ अभी, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत घूम रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक।